वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। माई नेम इज़ जसदीप कौर, पीपल नो मी बाय द नेम ऑफ कैनी गोगिया ऑल्सो। आई एम अ करियर काउंसलर, वेलबींग कोच एंड अ पब्लिक स्पीकर। टुडेज मॉर्निंग हुक्मनामा फ्रॉम श्री दरबार साहिब अमृतसर इज़ बाय श्री गुरु अर्जन देव जी इन राग सोरठ अंग 623 ऑफ श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी। पढ़ते हाँ, समझते हाँ, फिर अपनी जिंदगी विच अमल करते हाँ। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सोरठ महला पंजवां। विच करता पुरख खलोआ, वाल न विंगा हुआ, मंजन गुर आंदा रासे, जप हर हर किल विखनासे, संतो रामदास सरोवर नीका, जो नावे सो कुल तरावे, उधार हुआ है जी का रहाओ। विच मीन्स वेन क्रिएटर गॉड हिमसेल्फ stands amidst for protection, not even slightest harm can occur. When Guru makes soul's naam bathing successful, all sins perish with Hari naam simran. O saints, Ramdas soul purifying naam nectary pool is sublime. Soul of the devotee is liberated and ancestry too crosses fiery world ocean. Rahau. Now let's relate this with our day-to-day life so that we can implement it today. There was this girl, जदों बचपन स्कूल गई ना तो लोगों ने उन्हें बड़ा चढ़ाया, बच्चों ने भी चढ़ाया, टीचर ने भी उसका मोरल पुल डाउन करने की कोशिश की थी। बचपन तो ना उसकी मदर ने उन्हें एक चीज़ सिखाई सी, जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे। वो बैक ऑफ माइंड ना उसके चलता रहता सीगा। उन्हें बुरा तो लगता सी जदों उन्हें लोग चढ़ाते सीगे कि यह बोलती इस तरह है, ये मार्क्स नहीं आते, पढ़ाई विचों इस तरह की है। बट एक चीज़ उसके दिमाग चलती रहती सी, जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे। और वो हमेशा अगे देखती सी क्योंकि उन्हें जिंदगी में बड़ा कुछ करना सी। इसी तरह वो कॉलेज चली जाती है तो भी वही कुछ होंगे, बट हमेशा एक चीज़ अपने दिमाग में रखती है, जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे। विआह होंगे, विआह तो बाद भी लोग उन्होंने कहते हैं इन्हू खाना नहीं बनाना आता, ए शी इज़ ओवर एम्बिशियस, सो मैनी थिंग्स लाइक पीपल कैप्ट टेलिंग हर। बट बैक ऑफ माइंड तो हमेशा एक चीज़ रही, जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसे पावे। सो वेन यू have faith in the almighty, your strong faith, जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे, तो फिर तुहाडा कोई वाल भी विंगा नहीं कर सकता। दैट्स वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट आवर सेल्व्स फ्रॉम द नैगेटिव एनर्जीज। जेडे लोग तुहानू नैगेटिव एनर्जी देने की कोशिश करते हैं, तुहाडा मोरल पुल डाउन करने की कोशिश करते हैं, कीप अवे फ्रॉम दोज पीपल आर नॉट बैड, बट जिहड़ा उन्हां दा ओह वाला एक्शन है दैट इज़ नॉट वर्केबल फॉर यू। सो यू कैन स्टे अवे फ्रॉम दोज पीपल, बट एट द सेम टाइम गिव ब्लेसिंग्स टू दोज पीपल, प्रे फॉर दोज पीपल। सो ब्लेस दोज हु सेंड्स यू लो वाइब्रेशंस। सी और प्योर पावरफुल एनर्जी फील्ड इज़ द बिगेस्ट प्रोटेक्टिव शील्ड फॉर अस, और उस शील्ड नू बना के रखो, दैट इज़ द बिगेस्ट प्रोटेक्टिव शील्ड फॉर आवर सेल्व्स एंड आवर फैमिली एज वेल। पर उदो पॉसिबल होएगा जो तुसी परमात्मा ते पूरी तरह फेथ करोगे। हमेशा माइंड च रखो, जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे। सो अज इस चीज़ की प्रैक्टिस करो कि जेड़े जेड़े लोग तुहानू पुल डाउन करने की कोशिश करते हैं, या फिर अगर तुसी भी किसी नू पुल डाउन इस तरह करने की कोशिश कर रहे हो, जस्ट ट्राई टू लुक इन टू दैट, ट्राई टू वर्क ऑन योर सेल्फ। एंड जो तुहानू पुल डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं, वो लो वाइब्रेशंस का अपने ते असर ना होन दो, उन्हां दी नैगेटिव एनर्जी तो दूर रहो, बट एट द सेम टाइम दे आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स लाइक अस, सेंड दैम द ब्लैसिंग्स, सेंड दैम हीलिंग्स। सो अज इस चीज़ की प्रैक्टिस करो, दैन शेयर योर एक्सपीरियंसिस विद मी कि तुहानू किस तरह का लगा ये प्रैक्टिस करके। टेक केयर, बी बैलेंस्ड, बी हैप्पी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।